हेलो लो स्टूडेंट्स, आप लोगों का इंतज़ार हो गया है ख़त्म। मैं ले आया हूँ आप लोगों के लिए LLB फिफ्थ सेमेस्टर का सब्जेक्टिव पैटर्न में क्वेश्चन पेपर। जो ये पहला पेपर हम लोगों का लैंड लॉ का है, लैंड लॉ का मैं पेपर लेके आया हूँ आपके लिए, UP लैंड लॉ का। ये 2022 का है, क्वेश्चन पेपर है, जिसमें आपको 3 घंटे मिलेंगे। मैक्सिमम 100 मार्क्स का पेपर होगा आपको। इसमें जो क्वेश्चंस हैं, कैसे अटैम्प्ट करने, क्या करने, वो आपको क्वेश्चन पेपर में दिया होता है। ये इसमें लिखा हुआ है अटैम्प्ट क्वेश्चन फॉर्म ऑल सेक्शंस एज पर इंस्ट्रक्शंस में आपको दिए गए हूँ। जैसे सेक्शन ए है, ये वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं, इसमें आपको शॉर्ट में आंसर्स लिखने होंगे, ज़्यादा लंबा नहीं, ज़्यादा छोटा नहीं। इसमें आपको क्या, आप लोग ये सोचो इसमें कितना शॉर्ट लिखना है, कितना नहीं लिखना, वन वर्ड लिख सकते नहीं लिख सकते, तो मैं आपको बता देता हूँ। जो आपके इसमें क्वेश्चंस शॉर्ट टाइप में होंगे, इसमें आपको कम से कम कोशिश करना है कि एक पेज आप कम से कम फिल करके आएँ, चाहे उसको आप पैराग्राफ में लिखें, चाहे उसको पॉइंट वाइज एक्सप्लेन कर दें। अगर आपको थोड़ा भी अच्छे से याद है तो उसको पॉइंट वाइज कर सकते हो, और थोड़ा नहीं है तो आप उसको पैराग्राफ में भी डिस्क्राइब कर सकते हो क्वेश्चन पेपर में आंसर थ्रू, तो आप ऐसे कर सकते हो। और मेन चीज़ ये है, आपको इसमें आपको सेक्शंस अगर कंफर्म है कि हाँ ये सेक्शन पर्टिकुलर इस क्वेश्चन के लिए सेक्शन यही है, आंसर इसी सेक्शन में है, तो आप वही आंसर आप लिखिएगा, वरना सेक्शन को हाईलाइट या आंसर सेक्शन मत लिखिएगा उस जगह, इसे आपको मार्क्स कट सकते हैं। तो इसमें देखते हैं, पहला जो सेक्शन ए है, इसमें आपको 5 क्वेश्चन दिए होंगे जो 4-4 मार्क्स के मिलते हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन लिखा है, व्हाट इज़ मर्ज, व्हाट आर इट्स इफेक्ट्स। अगर इसमें सिंपल इसमें क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट इज़ मर्ज एंड व्हाट आर इट्स इफेक्ट्स, तो इसमें आप ये ले सकते हो आंसर में कि पहले मीनिंग लिख दी इसकी, मर्ज की मीनिंग क्या है, कहाँ डिफाइंड है, वो पूरा एक्सप्लेन कर दिया विद एग्जांपल के साथ, एक्सप्लेन कर दिया। इफेक्ट, इसमें कौन कौन से इफेक्ट हैं वो लिख दीजिए आप, जो आते हैं पॉइंट में इफेक्ट एक्सप्लेन कर दोगे, एक्सप्लेन से अच्छा खासा एक पेज भर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन इवेंक्यू प्रॉबर्टी, इवेंक्यू प्रॉबर्टी क्या होती है ये आपको एक्सप्लेन करना है। इसमें सिर्फ डिफाइन लिखा हुआ है तो आप इसको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो, अगर डीपली अच्छे से याद है तो आप उसको डिफाइन कर सकते हो। नेक्स्ट जो हमारा है सी क्वेश्चन, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एनुअल रजिस्टर, एनुअल रजिस्टर क्या है, किस सेक्शन में आता है, ये चीज लिख सकते हो। पहले आपको स्टार्ट करना हो तो पहले ये डिसाइड करो एनुअल रजिस्टर है क्या, मीनिंग, फिर उसकी उसको डिस्क्राइब और एक्सप्लेन कर दो, पॉइंट में कर दो किस सेक्शन में आता है, अगर सेक्शन याद है आपको तो उस सेक्शन रिलेटेड कर दीजिए आप। आगे क्वेश्चन भर, एक एक पेज दो आपको कम से कम भरना ही है, एक पेज मतलब ये हो जाता कि फर्स्ट पहले आगे का पेज और पहले उसको दूसरा आगे और पीछे दोनों मिला के वो फर्स्ट पेज बोलते हैं उसको। कोशिश ये करिए कि इतना आप भर दीजिएगा, तो इसमें आपको मान के चलिए तो अगर 4 मार्क्स का भी है तो आपको 3 तो मिल ही जाएंगे मार्क्स, अगर आपने इतना किया है तो 3-3.5 तो दे देगा, अगर आप लकी हो तो हो सकता है 4 भी मिल जाएगा, पूरा आंसर सही है आपका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिफाइन कुंडकास्ट लैंड, कुंडकास्ट लैंड क्या होती है, सेम ऐसे आपको डिस्क्राइब करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब गॉन फंड एंड कंसोलिडेट गॉन फंड। जैसे इसमें दो चीज़ डिफाइन पूछा गया है, पहले गॉन फंड एक्सप्लेन कीजिए आप, उसके एग्जांपल्स आपको याद है, सेक्शन याद है तो उसको एक्सप्लेन करिए, फिर सेम कंसोलिडेट फंड गॉन फंड उसको एक्सप्लेन कर दीजिए ऐसे, या इतना मीनिंग लिख के आपने छोड़ दिया, फिर साइड में इसको ब्रैकेट में करके डिफाइन कर दीजिए, एक तरफ लिख दीजिए गॉन फंड, दूसरे लिख दीजिए कंसोलिडेट गॉन फंड, दोनों में अंतर दिखा दीजिए क्या, ऐसे लिख दोगे तो क्वेश्चन आपको इसके आंसर लेंदी हुए हो जाएगा, अच्छे से हो भी जाएगा आपका। इसमें यह है कि आपको कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, चाहे लॉन्ग हो चाहे शॉर्ट हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर सेक्शन हमारा बी आता है, शॉर्ट आंसर टाइप, ये शॉर्ट है, वो वेरी शॉर्ट है, ये शॉर्ट है। अब जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं इसमें आपको
ऑप्शंस दिए गए हैं, कोई भी दो क्वेश्चन आपको करने हैं, जो उसमें से नीचे जितने चार क्वेश्चन दिए होंगे आपको, इसमें सिर्फ आपको दो क्वेश्चन करने हैं जो कि 10-10 मार्क्स के होंगे। इसमें लिखा हुआ है नॉट एक्सीडिंग 200 वर्ड्स, तो आपको 200 वर्ड से ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना है। तो इसमें आपको कितने पेज भरने होंगे, जिसमें आप पेज भी मान लीजिए फर्स्ट पेज तो वो पूरा पूरा दो पेज तो मिनिमम मान के चलिए, इसमें दो पेज तो आपको भरने पड़ेंगे कैसे भी करके, दो नहीं तो ढाई तो कम से कम भरिए भरिए, सॉरी डेढ़ तो भरिए भरिए। आप जितने ज़्यादा पेजेस भरेंगे हो सकता हो उतने अच्छे से मिल जाए, जिसमें क्योंकि पेज भरने के ही सिस्टम है। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें से आपको चार क्वेश्चन दिए होंगे, इसमें आपको तीन क्वेश्चन दिए हैं, चार नहीं दिए, इसमें आपको तीन दिए हैं सेक्शन बी में, तीन क्वेश्चन से सिर्फ आपको दो करने हैं। पहला है क्वेश्चन है डिस्क्राइब दी प्रोसीड्यूर फॉर रिकवरी ऑफ लैंड रिवेन्यू एरियर, थर्ड है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन प्रोसीड्यूर ऑफ म्यूटेशन, और फोर्थ है कैन अ डिसेबल मेक अ लीफ ऑफ हिज होल्डिंग इफ सो स्टेट द ग्राउंड्स। इसमें जो आपको आपको अच्छे से एक्सप्लेन याद हो, याद आ रहा हो क्वेश्चन, ऐसे ही करने होंगे जो आपको याद हो, वही सिर्फ आपको सिर्फ दो क्वेश्चन करने हैं, तीसरा मत करिएगा, इससे आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। इससे पहले आप क्वेश्चन पेपर आपके अच्छे से पढ़ लीजिएगा, पहले मार्क कर लीजिएगा आपको कौन सा अच्छे से आ रहा है, उस पर पॉइंट लगा दीजिए क्वेश्चन पे, कि जब आप करने बैठो तो आराम से आप करते रहो, कोई वहाँ पर तब उस आपको सोचना ना पड़े कौन सा करना है कौन सा नहीं करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें भी आपको तीन क्वेश्चन करने हैं, इसमें सबसे लिखो आंसर दी आंसर एनी थ्री क्वेश्चन आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑफ फाइव, मतलब इसमें आपको फाइव क्वेश्चन, उसमें से सिर्फ आपको तीन करने हैं, 20-20 मार्क्स के ये भी होंगे, सेम पैटर्न इसमें भी आपको यूज़ होगा, डेढ़ दो ऐसे आसपास पेज आप भर सकते हो उसमें भी। डिफाइन खटौनी एंड डिस्क्राइब द प्रोसीड्यूर ऑफ इफेक्टिंग चेंज इन इट, सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन था डिफाइन द डिस्टिंग्विश बिटवीन रिहैबिलिटेशन ग्रांट एंड कंपनसेशन, इनमें से डिस्क्राइब द ग्राउंड एंड प्रोसीड्यूर टू गेट देम। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द प्रोविजन अंडर द प्रेजेंट लैंड लॉ टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द मेंबर ऑफ द एससी एनएसटी क्लासेस। नेक्स्ट डिफाइन भूमिधार विद ट्रांसफरेबल राइट्स, डिस्क्राइब देयर राइट्स एंड रिस्ट्रिक्शन ओवर देम। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द ऑर्डर ऑफ सक्सेशन ऑफ अ मेल भूमिधार, इनमें से जो आपको क्वेश्चंस आंसर्स आ रहे हैं क्वेश्चंस के वो आप करिएगा, इसमें कोई सीक्वेंस नहीं है कि आप शॉर्ट पहले कर सकते हो या फिर लॉन्ग पहले करने, अगर आप सीक्वेंस से आप करना चाहते हो ए बी सी ऐसे करना चाहो ऐसे कर लो, बाकी अगर आप सी से स्टार्ट करना चाह रहे हो या बी से स्टार्ट कर सी से स्टार्ट या बी से स्टार्ट करने जा रहे हो, तो आपको ये कोशिश करनी है कि आप कम से कम उसी सेशन के सारे क्वेश्चन आंसर्स कर लो, ये नहीं कि आपने पहले ही बी के एक कर दिया फिर सी के दो किए, ऐसे नहीं करना है, सीक्वेंस चलना है, जो सेक्शन आप उठाओ उसको पूरा कंप्लीट करो, चाहे सी हो चाहे बी हो चाहे ए हो, उसके बाद आगे आप बढ़ सकते हो। ये क्वेश्चंस थे और ये कुछ क्वेश्चन पेपर है मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया है लॉयर्स किंगडम पे, आप उस पर जाके डाउनलोड कर सकते हो, ये 2022 का है। अभी मैं इसके बाद 2019 के क्वेश्चन पेपर है सब्जेक्टिव में, वो भी मैं अपने वीडियो के थ्रू आपको दे दूँगा और अपने टेलीग्राम चैनल पर भी अपलोड कर दूँगा, जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो और देख सकते हो, और बाकी क्वेश्चन पेपर्स भी बहुत जल्दी आने वाले हैं, मैं दो दिन में सब वीडियोस आपको प्रोवाइड कर दूंगा और क्वेश्चन पेपर सारे प्रोवाइड कर दूंगा, सबको भी टाइम मिल जाएगा, रिवाइज करते करते भी आप क्वेश्चन देख सकते हो कौन कौन से हैं इंपॉर्टेंट कौन से नहीं, और बाकी जो अलग चीज़ मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगेंगे वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, बहुत वही तीन दिन के अंदर मानिए आपको पूरा मैं सब्जेक्टिव का सारा पैटर्न आपको क्वेश्चन आंसर सब प्रोवाइड कर दूंगा तीन दिन में ही आपको, जिससे आपको भी टाइम आगे मिल जाए रिवाइज करने का। सो आप प्रैक्टिस करिए क्वेश्चन लगाने की एंड लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई यूट्यूब चैनल अजीत सिंह लॉयर्स किंगडम। थैंक यू गाइज एंड ऑल द बेस्ट।